गिरगिट दुनिया के सबसे पॉपुलर रंग बदलने वाले जानवर हैं, लेकिन यह आपको पता है कि इस ग्रह पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले और भी जानवर मौजूद हैं। 20 से अधिक पक्षी और स्तनधारी हैं जो अपने वातावरण के हिसाब से रंग बदल सकते हैं। ये जानवर रंग बदलने की प्रक्रिया का उपयोग अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। इस वीडियो में 4 सबसे अनोखे रंग बदलने वाले जानवरों के बारे में जानेंगे और वह जीवित रहने के लिए किस क्षमता या किस तरीके का उपयोग करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, अंटार्कटिक खरगोश। उत्तरी अमेरिका में उन हिस्सों में सर्दियां लंबी होती हैं जहां अंटार्कटिक खरगोश रहते हैं, लेकिन बर्फबारी अपने साथ इन शिकारी प्राणियों के लिए एक नया रूप लेकर आती है। जबकि गर्म मौसम के दौरान अंटार्कटिक खरगोश का रंग भूरे रंग का होता है, ये इस रंग में सफेद रंग के छोड़ देते हैं क्योंकि चीजें ठंडी हो जाती हैं। अभी तक की वैज्ञानिकों को पता नहीं लगा पाए हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। इनका मानना है कि एक दिन के दौरान लाइट से होता है। जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं, खरगोश का शरीर परिवर्तन को ट्रिगर करता रहता है। वास्तव में सबसे दूर उत्तरी क्षेत्रों के अंटार्कटिक खरगोश साल भर में सफेद रहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जलवायु परिवर्तन इन खरगोशों के रंग को बदलता है और इन्हें भेड़िये लोमड़ी के शिकार से दूर रखता है। नंबर 2, गिरगिट। गिरगिट अपने वातावरण से मेल खाने के लिए अपनी त्वचा का रंग बदलते हैं। गिरगिट शरीर की गर्मी को पैदा करने में असमर्थ होते हैं, इसके बजाय वे अपने रंग को बदलने में सूर्य से अवशोषित गर्मी को नियंत्रित करते हैं। इनका उपयोग एक दूसरे से बातचीत करने के तरीके के लिए भी किया जा सकता है। गिरगिट को देखने की क्षमता उन शिकारियों से बचने के वातावरण से मिलने वाले शिकार को पकड़ने में मदद करती है। ये अपनी आंखों से अच्छी तरह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक देख सकते हैं। गिरगिट बहुत ज्यादा लाइट में भी देख सकते हैं, जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। गिरगिट की 160 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। नंबर 3, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की 8 भुजाएं और 3 दिल होते हैं। ये बिना किसी हड्डी के होते हैं। इनका खून नीला होता है और ये शिकारियों को डराने के लिए स्याही फेंक सकते हैं। ऑक्टोपस की त्वचा एक सतह से नीचे के विशेष कोशिकाओं की होती है, उन्हें क्रोमेटोफोरस कहा जाता है। हर एक क्रोमेटोफोरस के बीच में एक थैली होती है जिसे साइटोलेस्टिक कहा जाता है। इसमें से प्रत्येक थैली में अलग अलग रंगों में लाल, पीला, नीला, काला या भूरे रंग के पिगमेंट से भरी होती है। जब एक ऑक्टोपस अपनी मांसपेशियों को कसता है तो थैली व्यापक रूप से खींच जाती है, जिसमें कि ऑक्टोपस की त्वचा पर रंग अधिक दिखाई देते हैं। जबकि मांसपेशियों को आराम दिया जाता है तो थैली वापस अपने सामान्य आकार में सिकुड़ जाती है और ऑक्टोपस अपने रंग में आ जाते हैं। नंबर 4, ग्रेट री फ्रॉग। ग्रेट री फ्रॉग 2 इंच के लंबे हो सकते हैं, जिसमें कि मादा नर से बड़ी होती है। पेड़ों पर रहने वाले इन मेंढकों की पीठ पर सितारे के आकार के धब्बे और आंखों के नीचे धब्बे होते हैं, जैसे कि वे रंग बदलते हैं। वे भूरे रंग के से लेकर हरे, लाल, काले में हो सकते हैं।